जुड़े हो आप चिंता के साथ? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सभी दिल्ली प्रेस का, सारे हमारे जो मित्र हैं यहाँ पर मीडिया में, बहुत बहुत थैंक यू इस कवरेज के लिए। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे सबको पता चलेगा कि जो सिंटा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ना सिर्फ एक्टर्स के हक के लिए लड़ रही है, बट जो बुज़ुर्ग एक्टर्स हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, बेचारे बेड पर हैं, कैंसर फाइट कर रहे हैं, बाकी दूसरी बीमारियाँ फाइट कर रहे हैं, उसे भी सिंटा उनके मेडिकल बिल्स पे कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या फिर उनके बच्चे विदेश में हैं, अगर उनके घर पे कोई तकलीफ होती है तो सिंटा के जो वॉलंटियर्स हैं उनके घर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने सिंटा से कब जुड़े आप, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सिंटा से 2002 में जुड़ा और फिर 2008 में मैं लाइफ मेंबर बना। एंड मैं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मुझे एक प्रोड्यूसर से तकलीफ़ हो रही थी, मत एक प्रोड्यूसर जब मुझे कोई तकलीफ़ दे रहा था कि मुझे मेरे हक के पैसे मुझे नहीं दिए, जब मुझे मेरा चेक मुझे, आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग हैं आपको पता नहीं होगा, वी आर स्टार्स, वी आर एक्टर्स, बट हमें जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद मिलती है। सो आज आपने जनवरी में अगर काम किया है तो आपको यू नो अप्रैल में उसका चेक मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपका शो ख़त्म हो जाता है तो बहुत प्रोड्यूसर्स हैं जो भूल जाते हैं कि एक्टर्स ने काम किया था, तो ऐसे ही एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो फिर मैं सिंटा मर गया और सिंटा ने उस प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि देखिए वो हमारे मेंबर हैं, आप प्लीज़ इनका चेक दे दीजिए, और मुझे वो चेक मिला। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक सिंटा इज़ अ रिस्पेक्टेड बॉडी, इट इज़ अ, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में कर ली हैं, तो यू नो कुछ साल पहले उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या सिंटा के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सिंटा का मेंबर नहीं हूँ, एंड वो फिल्म एक्टर थे। तो फिर अभी रिसेंटली वो सिंटा के ऑफिस आए और वो मेंबर बने, तो फिर उनसे पूछा गया कि आप क्यों बने सिंटा के मेंबर, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में सिंटा का मेंबरशिप नंबर बताना है, आप लिख दीजिए। देन ही गॉट टू नो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक सिंटा ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं एक एक्टर होकर मैं इतने साल शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, या फिर उन्होंने अनदेखा कर दिया, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं सिंटा का मेंबर बनना चाहिए। तो नेक्स्ट सीरियल में कब देखने को मिल रहे हो आप, कोई सीरियल के बारे में बताइए नेक्स्ट? अभी एक अमेजोन पे एक सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच सर।